आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो थी जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। एक तो ये तीनों किसान बिल वापस हों, और दूसरा एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में।